और आज हम सुबह सुबह फिर आ गए हॉस्पिटल। अभी टाइम हो रहा है और मेरे के बिन्ने अंशु भी आ गया। अंशु और गोलू ला रहा है आज पानी का टैंकर। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला थे राम काम। ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। और ये है पूर्णिमा का चांद। हेलो, इतनी खुश क्यों हो? मेड बाय गज्जू सब अच्छा लग रहा है। और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो वही है। तो नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और मस्त होंगे। मैं तो आज बिल्कुल स्वस्थ नहीं हूँ। वैसे मतलब ऐसी तबीयत तो कुछ नहीं हुआ है। मेरी आँख में आज मेरे साथ मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और कल रात को 3 बजे मेरी आँख में किसी कीड़े ने काट दिया और मेरी आँख बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है और मेरी आईज़ के ना वाइट पार्ट में काट दिया, तो उस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। और आज हम सुबह सुबह फिर आ गए हॉस्पिटल। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। 10 बजे हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और पर्चा वगैरह हमने कटा लिया है। अब वो अंदर बैठे हैं, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा देख लिया है मैम ने, और उसके बाद सारा भी थोड़ी देर में देखेंगे। और हम आए हैं हल्द्वानी के IQ सेंटर में आए हैं, वहाँ बैठे हैं। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हॉस्पिटल से ही हो रही है। ये अपना ऑफिस छोड़ के आज मेरे साथ यहाँ पे आए हैं। ये जाएंगे ऑफिस, लेकिन आज थोड़ी देर में जाएंगे। और किसी को सुबह स्कूल भेज दिया था। आज सुबह मैं कुछ कर भी नहीं पाई, सारा किचन का काम लक्कू ने कर रखा है। लक्कू बच्चों संभाल रहे हैं। और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रही थी, अभी तो सर दर्द ठीक है, लेकिन आँख में मेरी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही। मैं आपको दिखा नहीं सकती, इसलिए मैंने आज अपने ये वाले गॉगल्स पहने हुए हैं। डेली चश्मा तो मैं पहनती हूँ जब से आई फ्लू हुआ था, और अब आज मेरे को ये वाला अपना ये गॉगल्स भी पहनना पड़ा, और ये गॉगल्स पहन के मुझे आप लोग के सामने भी आना पड़ा। तो मैं अब घर पे जाके ही मिलती हूँ। अभी जब नंबर आएगा तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद हम जल्दी जल्दी घर जाएंगे, क्योंकि घर पे गोलू हमारे आते टाइम बहुत रो रहा था, तो हमें घर पे ही मिलेंगे। ठीक है, अब दवाई डाल दी है। अभी तो इतनी जल्दी क्या असर होता है, लेकिन थोड़ी देर में पता चलेगा। अब निकलते हैं हम यहाँ से सीधे घर। अच्छा, IQ हॉस्पिटल आए थे। जा रही हूँ घर की तरफ, निकल रही हूँ, और ये अब अपने ऑफिस चले गए, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी। जितना में मेरे को घर छोड़ेंगे और फिर वापस आएंगे, तब तक बहुत लेट होगी इनको ऑफिस के लिए। तो मैं आधे रास्ते से अब मैं ऑटो ले लिया और ऑटो से मैं घर जा रही हूँ। फतेहपुर पहुँच गई थी, यहाँ से बच्चों के लिए खाने की चीज़ ले ली, क्योंकि हम कहीं से भी आते हैं ना, बच्चे सबसे पहले वही चीज़ देखते हैं कि हमारे लिए क्या लेके आए। तो मैं बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ OS भाखड़ा के पास, और आज दिखाती हूँ आपको भाखड़ा का नज़ारा। ये देखिए, जहाँ कल तक पूरा पानी भरा था, ये 2 दिन की धूप ने पूरा पानी सुखा दिया, और ये पूरी भाखड़ा जहाँ पर हम बिल्कुल आराम आराम से चल रहे थे, उसमें बिल्कुल हम मस्त होके चल सकते हैं, क्योंकि पूरी नदी सूख चुकी है। दोस्तों यही है प्रकृति, बारिश, एक दिन की बारिश से ये भाखड़ा पूरी भर जाती है और एक दिन की धूप से सूख भी जाती है। और मेरे के बिन्ने अंशु भी आ गया। अंशु, हाँ।
हाँ बाबू, डॉक्टर अंकल के पास गया था मैं। मामी को दर्द हुआ। अब मामी पास आ गए। पानी का टैंकर, और गोलू ला रहा है आज पानी का टैंकर। खुश? गोलू, और टैंकर जा रहा है वापस। सो गुड इवनिंग, और कैसे हैं आप सब लोग? अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सुबह मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी कि मेरा सुबह सुबह उठ के मतलब ना रोना ही नहीं रुक रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और ये मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को चुप करा रहे थे, वो मेरे को रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि कल इतना बड़ा त्यौहार है, राखी का त्यौहार है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो उस दिन ठीक उसके अगले दिन ऐसी कंडीशन हो जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर ये मुझे सुबह सुबह हॉस्पिटल भी लेके गए, अब फिर अपनी वो जो ड्यूटी है रोज़ का जो ऑफिस है वो बाद में गए उसके लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ, और आँख भी अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है मेरी। वो पता नहीं क्या हुआ, मतलब एकदम से एलर्जी जैसी हो गई, और डॉक्टर मतलब हम लोग भी डर गए थे कि कहीं मतलब ऐसा ना हो जाए कि बाई फ्यूचर हमें फिर उसके लिए पछताना पड़े, तो इसलिए हम हॉस्पिटल गए थे। तो डॉक्टर ने जब कहा कि मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं हुआ, थोड़ी सी एलर्जी हो गई है तो वो ठीक हो जाएगी, अब तो दवाई लेके भी आए हैं, ड्रॉप वगैरह डालते रह रहे हैं कंटिन्यू, तो अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अभी हमारी चल रही है इवनिंग टी, तो और मेरी फाइनली राखी की शॉपिंग भी हो गई है, और अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं भी कल अपने भैया को राखी बांध पाऊँगी। मेरे को सुबह सच में इतना ज़्यादा रोना आ रहा था ना कि मतलब मैं नहीं जा पाऊँगी और मैं भैया को राखी नहीं बांध पाऊँगी, मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था, लेकिन अब नहीं, अब सब सही है। अब हम सुबह जाएंगे, पहले घर पर राखी बनाएंगे, बच्चों की राखी बनाएंगे, और ये भी राखी बंधवाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे मायके, और मैं कल आपको मम्मी से मिलाऊँगी, भैया भाभी सबसे मिलाऊँगी। और आज पूर्णिमा भी है, थोड़ी देर में हमें चाँद भी नज़र आ जाएगा, और आज चाँद जो होगा वो पूरा सर्कल होगा। कल आपने देखा ही होगा कि कल था सर्कल, पूरा सर्कल था, तो खुशी काफ़ी खुश हो गई थी कि सर्कल वाला चन्ना मामा, सर्कल वाले चन्ना मामा करके। अब और आज भी दिखाएंगे उसका रिएक्शन क्या रहता है, क्योंकि आज चाँद थोड़ा और बड़ा दिखेगा। और कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं अपने भैया के लिए कुछ सॉन्ग प्ले करना चाहती हूँ, और वो ये है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्यौहार है, बंधवा लो राखी, बंधवा लो राखी, बहनों का इसमें प्यार है, हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, हो आता है एक दिन साल में, इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। ये वो सॉन्ग है ना, जब हम छोटे थे तो रक्षाबंधन के दिन हमारे पापा क्या करते थे, सुबह एक वो म्यूजिक प्लेयर बॉक्स होता था उसको, क्या कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक टाइम पर रेडियो होता था, उसके बाद एक बॉक्स आता था उसमें कैसेट लगती थी, तो जिसमें वो रील वाली कैसेट होती थी वो लगती थी, तो पापा सुबह सुबह रक्षाबंधन के दिन वो गाने चला देते थे और बहुत अच्छा लगता था।
और ये जो ये वाला गाना जो फर्स्ट में मैंने गाया कि ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्यौहार है, इसको पापा हमेशा, मतलब ये हमेशा हमारे घर में हर रक्षाबंधन में प्ले होता था। और धीरे धीरे वो कैसेट वाला वो म्यूजिक बॉक्स जो है फिर वो ख़राब भी हो गया था, अभी भी शायद वैसे ही रखा है वो। हमारी पुरानी टीवी हो गई और हमारा वो पुराना म्यूजिक बॉक्स हो गया, वो संभाला हुआ ही है तो वैसे बेकार है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो हमारे दिल से जुड़ जाती हैं तो उसको हम अपने से दूर भी नहीं कर सकते हैं, तो वही चीज़ें वो रखे हैं घर पे बस, मतलब मेरे मायके पे। और ये है पूर्णिमा का चांद, और हमारी किया आज घर के अंदर आई है और इसको आज नहलाना धुलाना करना है क्योंकि ये कल जा रही है नैनी हाल, नानी के घर जा रही है। और पापा किया को नहलाएंगे अभी क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होगा ना, तो किया की अभी अच्छे से सफाई कर लेंगे। और देखो किया की, हेलो, इतनी खुश क्यों हो, कहाँ जाना है, नानी घर जाना है, ये इतनी खुश हो रही है। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेड बाय गज्जू। मैंने भी बनाया है। और ये राखी जो है ये खुशी के स्कूल से खुशी ने बनाई थी, अब थोड़ा मैंने सोचा था जो घर पे राखी बन रही है उनके साथ साथ इसको भी हम लगाएंगे, लेकिन बच्चे बच्चे ही हुए, ये बच्चों ने यहाँ से निकाल दिया तो अब हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल थे नम काम बद्धामी रक्ष माचल माचल। आपने देखा कि गज्जू ने कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ बनाई हैं और बहुत अच्छी लग रही है, जो हम मार्केट से खरीद के लाए हैं उनसे ज़्यादा अच्छी तो ये घर की बनाई हुई राखियाँ लग रही है। और नेक्स्ट टाइम से, मतलब अगले साल से हम लोग ऐसा ही करेंगे कि हम पहले से राखी बना के रखेंगे अब। और आज पापा ने भी आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रखी है, और मेरी तरफ से भी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी हमने डिनर भी नहीं किया है, काफ़ी लेट हो गए और हो रहा है अभी 9:30 से ऊपर हो गया टाइम, तो अभी डिनर भी स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा, अब हम डिनर भी करते हैं और मैं अपने ब्लॉग आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और दोस्तों आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दीजिए, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जिसने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आज सुबह पहले मॉर्निंग तो बहुत बेकार रही थी, लेकिन आज जब ब्लॉग एंड कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, और कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, भला तो सब भला, तो वही है। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको मैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।